हेलो और नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आने वाले नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो चैत्र नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है, इसके लिए हम वास्तु के अनुसार किन चीजों का ध्यान रखें। वास्तु साइंस ऑफ डायरेक्शन है, ये दिशाओं का विज्ञान है। और अगर हम पूजा को, हर एक काम को वास्तु के नियमों के अनुसार करते हैं तो दिशा के साथ साथ हमारी दशा भी अच्छी होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि माँ की कृपा हमारे जीवन में हो। ऐसा कहा जाता है कि ये जो नवरात्रि की 9 रातें होती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे एक बच्चा 9 महीने अपने माँ के गर्भ में, यानी कि अपने माँ की वोम्ब में बिताता है। 9 महीने वहाँ पे रहने के बाद जैसे एक शिशु एकदम ब्राइट और रिजुविनेटेड, एकदम तरोताजा बाहर निकलता है, वैसे ही इन 9 नवरात्रि के दिनों में, इन 9 रातों में माँ का पूजा अर्चन करने के बाद हम भी एकदम फ्रेश और रिन्यूड बाहर निकलते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें क्या करें जो कि नवरात्रि के समय पर आपकी अपनी एनर्जी और आपके घर की एनर्जी माँ को वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और आपका घर पॉजिटिविटी से वाइब्रेट करे। सबसे पहले जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, किसी भी त्योहार को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि अपने घर के क्लटर को साफ करें। अगर आपके घर पे, खासकर आपके मंदिर में या फिर आपके मेन एंट्रेंस के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखा है, स्टोरेज रखी है, मंदिर में पुराना सामान रखा है, तो सबसे पहले उस क्लटर को साफ करें जिससे कि घर की स्टैग्नेटेड एनर्जी जो है वो एकदम से रिलीज हो जाए। दूसरी चीज, जब हम मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो मंदिर से पुराना सामान जरूर निकालें, साथ ही साथ अपने मंदिर को अच्छे डीप क्लीनिंग के साथ साफ करें। मंदिर में अच्छे से झाड़ू करें, मंदिर में अच्छे से पोछा करें, जो सब सामान है उसको डस्टिंग करें, आपका जो मंदिर का जो प्रॉपर एक ऑल्टर है उसको भी प्रॉपरली क्लीन करें। और सफाई करने के बाद अपने मंदिर में गंगा जल छिड़के। जैसे ही हम गंगा जल छिड़कते हैं तो हमारा जो मंदिर है वो पॉजिटिव हो जाता है और वहाँ की प्राण शक्ति भी हाई हो जाती है। माँ दुर्गा का आह्वान नवरात्रों के दिनों में एक कलश को स्थापित करके किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कलश को जो है वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है और कलश जो है उसके अंदर हम पानी और गंगा जल भर के रखते हैं। कलश का जो स्थान है वो भी वास्तु शास्त्र के अनुसार इस महापूजा में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वाटर को डिनोट करता है। वाटर हमारे इमोशंस हैं, वाटर हमारी इनकमिंग मनी है, पानी हमारी सभी चीजों को डिनोट करता है, जीवनदायक होता है। और अगर हम अपने इस कलश को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करते हैं, घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में या फिर मंदिर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, तो जल तत्व एक्टिवेट होता है और हमारे घर में इनकमिंग मनी बढ़ने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो कलश है जिसमें कि हम माँ का आह्वान करेंगे उसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें और आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि और वेल्थ जो है वो माँ की कृपा से आएगी। एक और चीज जो कि हम नवरात्र के समय पे कर सकते हैं वो ये है कि मंदिर और घर की एनर्जी को फ्रेश करने के लिए अपने मंदिर को रीडेकोरेट करें। मंदिर में नए जो है वो लाल और पीले रंग के वस्त्र लाएं। आप चाहें तो वहाँ पे फूलों की माला लगा सकते हैं, आप चाहें तो छोटी छोटी लाइट्स लगा सकते हैं, एलईडी लाइट लगा सकते हैं। अगर आप पीले और लाल रंग की एलईडी लाइट्स लगाते हैं तो उससे भी जो है वो मंदिर पवित्र होता है और मंदिर की पॉजिटिविटी बढ़ती है। और जब हम ऐसे पॉजिटिव और सुंदर जगह पर बैठकर पूजन करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो हमारी अपनी बारी और एनर्जी भी बहुत अपलिफ्ट होने लगती है। अब बात हमने करी कि कलश की स्थापना कहाँ पे करें और लाजमी सी बात है कि माँ की पिक्चर भी हम लेकर आएंगे। तो पूजन करते समय हमारा जो फेस है, हमारी जो फेसिंग है, उसका भी सही होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है और एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि पूजन करते समय अपनी फेसिंग हमेशा ईस्ट यानी कि इंद्रस्थान या फिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण की तरफ रखें। एक और चीज जो हम अपने घर में कर सकते हैं, अपने महाद्वार पे कर सकते हैं, वो ये है कि अपने महाद्वार पे आप एक सर्व मंगलकारी तोरण लगाएं।
ये तोरण जो है हम आम के पत्तों से या अशोक के पत्तों से बना सकते हैं और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप घर के महाद्वार पर ये तोरण लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी जल्दी जल्दी आपके घर की तरफ खींची चली आती हैं। एक और चीज, अगर हम पूजा की बात कर रहे हैं साथ में वास्तु के नियमों की बात कर रहे हैं, तो वास्तु मतलब उस जगह को पॉजिटिव कैसे करें, उस जगह को ऊर्जा से कैसे भरें, तो भाई शंख यानी कि जो पौंच है उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। नवरात्र के 9 दिनों में डेली अपने मंदिर में आरती के बाद, भोग लगाने के बाद एक शंख जो है उसको जरूर वहाँ पे उसका नाद करें। इससे घर के सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस जो है वो क्लियर हो जाते हैं और नवरात्र के 9 दिनों में जब देवी तत्व जमीन को छूता है हमारे घर की एनर्जी और हमारी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। साथ ही साथ आप चाहें तो कपूर जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, वो सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपके घर की एनर्जी प्योर हो और माँ आपके घर की तरफ आकर्षित हो। एक और चीज़ जो कि आप नवरात्र के टाइम पे अपने महाद्वार को एनर्जाइज करने के लिए कर सकते हैं, अपने मंदिर के द्वार पे भी कर सकते हैं, कि एक बर्तन में थोड़ा सा पानी भर के अपने घर के मेन एंट्रेंस पे रखें। साथ ही साथ अपने मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ स्वास्तिक का भी इस्तेमाल करें, इससे भी हमारे जो महाद्वार है, हमारा जो मेन डोर है वो ऊर्जान्वित होगा। पूजा के समय हम सभी फूलों का इस्तेमाल करते हैं और वो फूल जो है उन्हें कभी भी निकाल कर, यानी कि पूजा में इस्तेमाल किए गए फूलों को निकाल करके कभी भी गार्बेज में या कूड़े में ना दें। 9 दिन के इन फूलों को इकट्ठा करें, पूजा की जो भी वेस्ट सामग्री है उसको एक अलग से डस्टबिन में इकट्ठा करें, चाहे तो साफ डस्टबिन को मंदिर में ही रखें जिसमें सिर्फ मंदिर का वेस्ट हो, और 9 दिन खत्म होने के बाद उस वेस्ट को जो है वो जो पूजा का सामान है उसको आप किसी नदी में, हो सके तो गंगा जी में विसर्जित कर दें। इससे हमारी पूजा अच्छी तरीके से जो है वो पूर्ण होती है और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी इसे काफी अच्छा माना जाता है। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि नवरात्र के आने से पहले आपको अपने घर को पॉजिटिव कैसे करना है, मंदिर को डीक्लटर, रीडेकोरेट और क्लीन कैसे करना है, साथ ही साथ कैसे आप शंख का यूज करके अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं, किस दिशा में फेस करते बैठे और कहाँ करें वास्तु के अनुसार सभी चीजों को स्थापित। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करेंगे। आने वाले नवरात्र के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।